फाइनली हम मालम जबा पहुंच चुके हैं। मालम जबा की सुनता आप ये चेक कर सकते हैं। अभी आपको मैं मालम जबा की सैर करवाता हूँ, यहाँ का रिव्यू देता हूँ कि ये इलाका कैसा है। पर जगह जगह पर शूज़ के स्टॉल्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग जो ये वाले शूज़ नहीं हैवी वाले पहन के आते वो यहाँ से रेंट पे ले सकते हैं, क्योंकि आपको हाइकिंग में आगे जाके डिफिकल्टी होती है तो आप इसकी मदद ले सकते हैं। नहीं नहीं ठीक था, ठीक है ठीक है। ये मैंने भी शूज़ चेंज कर लिए यहाँ पे ताकि आगे मुश्किल ना हो। ज़्यादा रश है, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर इतना रश होगा। एंड फर्स्ट इंप्रेशन सर माई लाइक दैट कि काफ़ी ज़्यादा अंडर रेटेड प्लेस है। जाएगा तो ऊपर वेट करें, हम आएंगे फिर इकट्ठे वापस आएंगे। नहीं लग रहा है मिल गया आपको फाइनली। मुबारक हो, बहुत बहुत है, काफी ज्यादा स्ट्रगल के बाद आपको मिल ही गया। बस यार ये पहले किसी जॉनसन के किस्मत में थे, फिर रीमा ने पहने, फिर सीमा ने पहने, अब आप जाके एंजॉय करें इसको। जो पड़े हैं सर, जब हम आते हैं यहाँ पे मालम जबा पे तो यहाँ पे बर्फ होने की वजह से हमारे शूज हो जाते हैं गीले। अच्छा। शूज गीले और ठंडे होने की वजह से फिर पाँव चल नहीं सकते, बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये शूज लगाए हुए हैं। ये रेंट पे देते हैं। अच्छा। तो अब वापिस आके दोबारा जो है ना इनको ये शूज दे के अपने शूज ले लेते हैं। अच्छा, आपका स्टाइल कौन सा है? जी जी आपका स्टाइल कौन सा? ये सारे ही अपने स्टाइल है। कैसा जा रहा है बिजनेस? बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पीक पे है। चले अल्लाह आपको कामयाब करे। ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, वहाँ पे पार्किंग होती है तो आप वहाँ से आते हैं तो सबसे पहले ये शूज़ वाला एरिया है। इसके अलावा इधर आप आगे जाएं तो फिर आपको आगे जाके व्यू कराते हैं। हुकूमत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक यहाँ पे शापर इस्तेमाल करना मना है, तो खिलाफ वर्जी पर 500 रुपये जुर्माना होगा, तो एहतियात करें। हम कहाँ जा रहे हैं भला? मालम जबा। मालम जबा तो आ गया है ना अब टॉप पे। अच्छा टॉप पे हाइकिंग करते जा रहे हैं। एंड तक हाइकिंग करेंगे? एंड जी हाँ, एंड तक करेंगे। अच्छा। इसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी है ना, जो कि चेयर लिफ्ट है। चेयर लिफ्ट है क्योंकि चेयर लिफ्ट जितने हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा अच्छा, तो सारी हम गरीब मामे तो इसलिए हम पैदल ही जाएंगे। अभी हम हाइकिंग के लिए जा रहे हैं यहाँ पे इस साइड पे, ट्राई कर लो पर आप हाइकिंग करके मजे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफी लोग कर रहे हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप शूज वहाँ से रेंट पे ले लें तो आपका काम बन जाता है। लेकिन ये एक टाइप का एडवेंचर होता है, आपको इसी का मजा आता है। ये है हमारा एडवेंचर, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे इतना हाइकिंग करने का। स्नो पे काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन मज़ा आता है। ये चेक करें हाइकिंग के करिश्मे, मैं हाइक कर रहा था तो बर्फ़ चेक करें कैसे जम गई है मेरे स्टैंड में। शुक्र है मैंने मोबाइल उतार लिया था, तो ये पानी भी आ रहा है ऊपर से। ये टूर ऑपरेटर सब की मदद कर रहे हैं। ये हमारे अपने नीचे देखना है, यहाँ पे पहुँच रखना है। एक सेकंड, ये आपने देखना है जहाँ पे थोड़ा सा डीप एरिया हो वहाँ पे आपने पैर रखना है। जैसे ये देख शान बना ना इस तरह, अब फिसलते नहीं है। बस पहली बार आपको लक पता चलता है हाइकिंग करने में, क्योंकि मज़ा बहुत आता है। भाई अभी
ये वो मजाया पोस्ट बनी हुई है ना फेसबुक पे कि हर तरफ बर्फ ही बर्फ, ये देखे हर तरफ बर्फ ही बर्फ, बहुत ज़्यादा बर्फ है इधर, फुल धूप निकली है काफ़ी दिनों से, लेकिन स्टिल यहाँ पे आपको इतनी हैवी स्नो मिल जाती है। ये देखें ऊपर चढ़ते चढ़ते कभी कभी आपकी अब बिल्कुल बर्फ़ करना चले जाते हैं, देखें जैसे मेरी कांपें देखी टांग रही हैं बिल्कुल बर्फ़ के अंदर। जब आप इतना ऊपर आते हैं तो ये यहाँ पे घाट सा बना हुआ है काफ़ी प्यारा, तो यहाँ इसके नीचे धूप में छाँव का जो मज़ा आता है ना, और सामने व्यू का, ये भी किसी ने ऊपर से बर्फ़ मार दी है, पाकिस्तान है यहाँ कुछ नहीं पता चलता। यहाँ पे मुझे इंसानों के अलावा एक और मखलूक भी नजर आई है, ये देख सकते हैं, पहली मखलूक है जो मालूम जब हमें नजर आई है इंसानों के अलावा। आओ बच्चों गोले खाए, आ जा है। ये तो होगा, क्या आओ बच्चों ये माल उनको बचने का। हेलो बेटा मेरे तो नाम आ मार 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 ये यहाँ पे एक बड़ी मजे की एक्टिविटी होती है फैसलाबाद से, वाह जी वाह, बर्फ मारे इधर, ये देखें यार वो अपने को ये ऐसे बर्फ मारी जाती है और यहाँ पे एंजॉय किया जाता है ना। ये खान साहब ये पठान थे मेहमान बाज होते हैं, ये देखें ये मुफ्त के किन्नो दे रहे हैं हमारे टूर जो ऑपरेट कर रहे हैं, चलो आप कैच कराओ। तो हमारे साथ अभी मौजूद है हमारे टूर फेलोस, इनसे यहाँ का एक्सपीरियंस पूछते हैं जो हाइकिंग करके आए हैं, इनको कैसा लगा, कितना ये डिफिकल्ट था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहले तो मुझे ये बताएं आपको हाइकिंग करके जो आप आए हैं ये कितना मुश्किल लगा, मजा आया कि नहीं? शुरू में हमें बहुत डर लग रहा था कि हम आएंगे नीचे किसी खाई में चले जाएंगे, मगर ये अब्दुल्ला भाई की बड़ी मेहरबानी है, इन्होंने सारा क्रेडिट अब्दुल्ला भाई को जाता है, एक सिर्फ हमें थोड़ा थोड़ा दिखा के लाए कि इधर तक जाने इधर तक, मगर दिखा दिखा के ला के हमें ऊपर तक ले आए और बहुत मजा आया। अगर हम पहले हमने ट्रैवल एजेंट रिकमेंड करते हैं ना वो तो अब्दुल्ला भाई को रिकमेंड करते हैं, मजा आएगा, पूरा ट्रैक है इनको पता है और हमें मजे के लेके। अभी तो पहला दिन है और इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, तो भाई बचना, लाइट कैमरा एक्शन। हाँ वापसी इसी में आना है, ओए टांग दिए, वाह वाह वाह,
केले आए या केले ही जाएंगे, केले खाएंगे। कोटे उत्ते टोकरो, कोटे उत्ते कई। ये इधर ये वाले सीन्स भी होते हैं, पूरा गोला मुझे पता ही नहीं है, मेरे शूज में जम गए। इसको हम फेंकते हैं इधर। सो तकरीबन 1.5 घंटा हो गया हमें यहाँ पे, हम अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, ये व्यू चेक करें। कहते हैं ना मेहनत के बाद आपको उसका फल ज़रूर मिलता है, सो ये चेक करें। यहाँ पे सनसेट होने वाला है और इसके अलावा बर्फ, पहाड़, दरख्त, कमाल की कॉम्बिनेशन। चलो आपने संभाला। आपकी भाई की टांग फंस गई है, एक मिनट। रेस्क्यू 112 टू आगे। रेस्क्यू 112 आके दो लगा, मेरा पांव सुन्न हो गया यार, सर्च ऑपरेशन हो गया। ऊपर को आ, ऊपर को आ ना, जिससे तुझे जोर लगाना पड़ेगा। चलो जी। दिस इज द चेली पॉइंट, यहाँ से आप इसको बोर्ड। सो अब मैं जा रहा हूँ वापस, पूरा हम वहाँ से नीचे से ट्रैक करके आए, तो काफ़ी मतलब मेहनत करनी पड़ी है और मज़ा भी काफ़ी आया, लेकिन यहाँ पे आके ना मतलब मज़ा आ गया। इस व्यू के सारे ना पैसे हैं। जी तो नाज़रीन, हमने अभी अपने क्लाइंट्स को हाइकिंग करवाई है यहाँ से मालम जब्बा की, हाइकिंग करवा के इनको ऊपर लेके आए हैं टॉप पे, ना कि चे लिफ्ट से आए हैं हम। और मालम जब्बा स्की रिजोर्ट जो है वो ओपन हो चुका है, यहाँ पे स्की भी हो रही है। हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे स्की हो रही है और जोरों शोर से हो रही है। और आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जब भी यहाँ पे आए, आप लोग हाइकिंग जरूर करें, ये एक्टिविटीज होती हैं, ये भी करें, लेकिन हाइकिंग जो है ना वो आपके ट्रिप में जान डाल देती है। तो अभी हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ हाइकिंग की है, जो कि ये बिल्कुल भी मान नहीं रहे थे हाइकिंग के लिए, ये कह रहे थे कि हमने चेयर लिफ्ट करनी है, तो इनको मैंने फोर्सफुली हाइकिंग करवाई है। तो इनसे हम रिव्यूज जानते हैं कुछ इनसे। मजा आया फिर आपको? बहुत मजा आया। कितनी देर में हाइकिंग करती है, चेयरलिफ्ट और हाइकिंग को? 3 घंटे में। जब स्टार्ट किया था कैसा लग रहा था? स्टार्ट किया था तो मजा आया था, दरबारी में भी मजा लगता है, हमें पता नहीं था हम ये भी कर सकते, लेकिन सिर्फ अब्दुल्ला साहब की वजह से पॉसिबल हो गया। फाइनली मिशन सक्सेसफुल। यस, मिशन सक्सेसफुल, गुड। मेरी अपडेट राइडर्स का मजा आ गया। सो व्यूअर्स, अभी हम पहुंच रहे हैं बहरीन में। बहरीन में आज हमारा यहाँ पे नाइट स्टे होगा, सुबह हम जाएंगे कलाम के लिए। मालूम जब से जब हम निकले थे तो मैं बहुत थक गया था, तो इसलिए मैं कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाया, मैं सो गया था, बड़ी मज़े की नींद आई थी। सो अभी आपको यहाँ पे बहरीन के नज़ारे करवाएंगे और बताएंगे यहाँ पे क्या क्या होगा, और फिर मिलते हैं आपसे। तो फाइनली हम बहरीन बाज़ार में पहुंच चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा एक हेक्टिक डे था, हम मालम जब गए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ी ना वो कह लें मुश्किल एक्टिविटी थी, तो उसके बाद मज़े की थी। उसके बाद फिर अभी हम बहरीन की तरफ आए हैं, तो ये हमारा होटल है, रिव्यू मैं आपको कल करवाऊँगा। सो अभी हमारा ग्रुप जा रहा है डिनर करने, ये पीछे हमारा होटल था, नीचे हम मेन बाजार में देखते हैं।
तो हमारा डिनर आ चुका है, ये आप देख सकते हैं, ये डिनर में मेन्यू में देखने में मजे का लगता है, और यहाँ पे सारे बॉयज आ चुके हैं। तो अभी हम बहरीन बाज़ार की सैर कर रहे हैं। इस बाज़ार का भी एक अपना ही लेवल है, ये देखने में मरी के माल रोड की तरह लगता है, लेकिन यहाँ पे इसको एज ये है कि यहाँ पे पीस बहुत होता है, सुकून बहुत होता है उसके नस्बत। और इसके अलावा यहाँ पे जो दरिया मतलब आपको मिलते हैं पुल पे उसके नीचे, वो ज़्यादा मतलब ना एक एक्सपीरियंस आपका अच्छा कर देते हैं। ये बहरीन का जो सामने आपको होटल नज़र आ रहा है, ये बहुत खूबसूरत होटल है, रात का टाइम इसकी खूबसूरती अच्छी है। यहाँ पर एक बड़ी मज़े की चीज़ नज़र आई है, 12:30 बजे और ये देखें यहाँ पे हमारे पठान भाई क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आए अब हम भी जाके यहाँ पे चेक करते हैं। तो अब हुआ चलता है हमारी चीजी का टाइम, इस बाजार में चलते हैं, इसको एंजॉय करते हैं और अपनी चीजियां खाते हैं। डे नंबर 2, अभी सुबह के तकरीबन 10:30 हो रहे हैं और हम उठ चुके हैं, अभी हमने कलाम के लिए निकलना है। तो अब हम जा रहे हैं डे 2 का नाश्ता करने। साइड यहाँ पे हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम कलाम के लिए। तो वैसे ये था पार्ट 2, अब हम मिलेंगे आपसे पार्ट 3 में। पार्ट 3 में हम जाएंगे कलाम, उसके बाद पलोगा वैली, उशू फॉरेस्ट, इसके अलावा वापस जब हम आएंगे तो रेमबो कॉटेजेस की तरफ आएंगे, और इसके अलावा दिन रात को बॉनफायर होगा और हमारी कुछ और मतलब रात को बड़ी मज़े की एक्टिविटीज़ हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। ये वाला पार्ट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नए पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।